हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डिंपल जरीवाला और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाया सूप की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं सूती स्टाइल पाया सूप। तो इसके लिए हमने दो जोड़ पाया की ली हुई है और इसके लिए हमें दाल चाहिए सूप बनाने के लिए। तो यहाँ तुवर की दाल है, उड़द की दाल है और मसूर की दाल है। ये उड़द की दाल ऑप्शनल है, कोई चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आपको स्किप करना तो कर सकते हैं, ये भी स्किप करना हो मसूर की दाल तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें तुवर की दाल तो चाहिए ही। फिर घर के मतलब सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग हम दाल बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पाया सूप की रेसिपी। ये पाया को हमें कुकर में प्रेशर कुक करना है, तो इसको कुकर में डाल। हल्दी ली है और आधा चम्मच नमक लिया हुआ है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे और 3-4 ग्लास पानी के। पानी हमें अपने हिसाब से डालना है फ्रेंड, जितना इसमें ज़रूरत होगी। और इसको हमें मिला देंगे हम। फिर कुकर को धीमी आंच पे 30 मिनट तक पकाएंगे, फिर देखेंगे कि ये पक गया है। अगर नहीं पकाओ तो वापस डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पाया रेडी हो गया है। देखिए फ्रेंड, अच्छे से पक गया है। अभी हम इसमें बॉईल की हुई तुवर और मसूर की दाल ऐड करेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा फ्रेंड्स। मैंने 2 कप तुवर की दाल ली है और 1 कप मसूर की दाल ली है। इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे और अपने हिसाब से मतलब जितना आपको ग्रेवी चाहिए सूप के लिए उतना हम इसमें पानी डालेंगे। हमने इसको उबालने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। अभी हम इसमें मसाला करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने 1.5 चम्मच हरी मिर्च ली है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ली है। और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे मसाले को और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है हमें, बस सिंपल मसाला ही करना है। आप इसमें मूंडी वगैरह भी डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी एक उबाल आ गया है। अभी हम इसको वगार करेंगे। इसके लिए मैंने अलग से तेल लिया हुआ है, 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, उसमें तेज पत्ता और मिर्च डालेंगे और आखो वगार की पेस्ट। हल्के हाथ से हलाएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा जोर जोर से नहीं हलाना है, नहीं तो सब अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी उसको और उबालना है हमें अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मसाला बहुत ही सिंपल करना है, ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है फ्रेंड्स, तो ठंडी में एक बार तो खानी ही चाहिए। इसको अच्छे से उबलने देंगे हम। चलिए फ्रेंड्स, हमारा पाया सूप रेडी हो गया है। अभी हम इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स,
अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।